हेलो एवरीवन, मैं जिनवर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जो बच्चे जेई मेन 2024 जनवरी अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, उन बच्चों के बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए हैं कि हमारे क्या अगर स्कोर 150 के आसपास चल रहा हो, एक एवरेज स्कोर की बात कर रहा हूं, हो सकता है 140, हो सकता है 160, तो क्या आपका 99% तक बच्चा पहुँच सकता है, क्या ये चीज़ पॉसिबल है? तो आपको डिटेल के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से एक शॉर्ट टाइम में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको चेंज लिया जाना है, क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम है कि आप चेंज लिया सकते हो, आराम से 99% तक पहुंच सकते हो। तो देखो, जिस बच्चे के 150 के आसपास चल रहा है एक एवरेज के अंदर, हो सकता है वो 140 पे चल रहा हो सकता है वो 160 पे जा रहा हो, ठीक है, तो वो आराम से 99% तक पहुंच सकता है। तो 99% तक पहुंचने के लिए आपको एक टेस्ट के अंदर स्कोर जो है वो 200 प्लस का आपको लेके आना पड़ेगा एक 99% के लिए। तो उस चीज में क्या आपको किस तरीके से चेंजेस लाने हैं, एक NIT के अंदर जाने के लिए किस तरीके से आपको अपनी प्रोग्रेस लेके आनी है। साथ के साथ मान लो जिस बच्चे के 200 नंबर अभी आ रहे हैं, वो बच्चा एक अच्छी NIT में अच्छी ब्रांच के लिए इम्प्रूवमेंट ला सकता है, ठीक है, अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है, अच्छे नंबर ला सकता है, अभी भी उसके पास बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन आपके पास जिस बच्चे के पास इस स्कोर में चल रहा है, वो आराम से यहाँ तक पहुँच सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब आप मान लो टेस्ट दे रहे हो, अब चेंजेज क्या लाने हैं, अब आपके पास इस चीज के लिए बहुत ही जरूरी है कि आपने टेस्ट दिया, उस टेस्ट में आप देखोगे कि आपने मिस्टेक क्या क्या की। हो सकता है मान लो आप अगर बात करते हैं मैथमेटिक्स में, जैसे कि आपने इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चन आए उसमें आपने गड़बड़ कर रहे हो सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन आया, उस पोर्शन में आपकी हर बार गलतियां हो रही है, तो आपको क्या करना है, अपनी जो मिस्टेक है उसका सुधार करना है, ठीक है, जो आपसे गलतियां हो रही हैं जिस पोर्शन से उसको स्ट्रोंग बनाना है, ठीक है, जो आपका वीक जो पोर्शन है उसको स्ट्रोंग बनाइएगा। सबसे पहली चीज, जो लगता है कि ये पोर्शन हर बार गलती कर रहा है, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, तो उस पे बार बार आपको ज्यादा ध्यान देना है। देखो, रिवीजन तो आपको करते चलना है, लेकिन जो वीक पोर्शन है उसको स्ट्रोंग बनाइएगा, सबसे पहला पोर्शन। और बच्चे से सबसे ज्यादा गलती क्या होती है कि जो बच्चा इस रेंज में बैठा होता है वो इस चीज से डरता है कि मैं जो मिस्टेक है उसको कैसे सुधार करूं, क्योंकि वो बार बार वही गलतियां करता रहता है। तो इसीलिए सबसे पहला काम कि टेस्ट जो आप दे रहे हो, तो एक टेस्ट को बहुत ही अच्छे से 1 घंटा लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है कि आपके लिए मिस्टेक क्या चीज हो रही है। अगर जो मिस्टेक हो रही है उसको बहुत ही अच्छे से कीजिएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों पोर्शन पे अच्छे से ध्यान देना है और एक अच्छा स्कोर आपको यहां से लेके आना है। तो आप ऑटोमेटिक ही अगर ये चीज आपने स्ट्रोंग कर ली तो आप ये स्कोर ले आओगे आराम से। अगर आपने जो टेस्ट दिया उसका सॉल्यूशन आपको करना है, एक एक चीज बड़ी अच्छे तरीके से देखनी है कि आपने गलतियां क्या क्या की है। और अब आपको क्या करना है कि हर वीक के अंदर कम से कम 2 टेस्ट जरूर लगाइएगा, ठीक है, हर वीक के अंदर। और टेस्ट इस तरीके से आपको लगाने हैं भी, जहां से भी आप जैसे भी कर रहे हो, जहां आप टेस्ट दे रहे हो, तो पोर्शन इस तरीके से भी जैसे आपने लिमिट किया, कॉन्टिन्यूटी किया और डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएशन आप साथ लेके चल सकते हो ये चीज, तो ये पूरा एक साथ लगाइएगा, ठीक है ना। अब ये पूरा एक साथ लगाया, उसके बाद जैसे आपने मान लो मैथमेटिक्स का इंटीग्रेशन उठाया, तो इंटीग्रेशन के साथ एरिया अंडर करो जरूर लगाइएगा, ठीक है। पूरा पोर्शन आपको इस तरीके से चलाना है, इसी तरीके से फिजिक्स का पार्ट बांटना है, इसी तरीके से आपको केमिस्ट्री का,
तो आपको अब टेस्ट जो चलना है वो इस तरीके से पार्ट में चलना है, क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि हर चैप्टर का आप अलग अलग टेस्ट दोगे। तो आपके पास मान लो 2 दिन छोड़ के या 3 दिन छोड़ के आप दे रहे हो, तो क्या पता पूरे भी ना हो पाए। उसके साथ साथ आपको रिवीजन जरूर करनी है हर पोर्शन की, बहुत ही अच्छे तरीके से रिवीजन कीजिएगा खूब। अगर कोई पोर्शन आपका बच गया है, मान लो जो बच्चा प्लस टू में है, हो सकता है उसका प्लस वन वीक है या कुछ कमियां उसने छोड़ दी हो, तो आपको रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान देना है। उसके साथ साथ आप प्लस टू पर भी अपना पूरा फोकस करना है। ऐसे नहीं कि आपके 5-6 चैप्टर वीक है और उन पे आपने दिन रात लगा दी, हो सकता है आपके लिए वो प्लस टू के अंदर बोर्ड है आपका वहां पर दुखी करे आपको, ठीक है। हो सकता है जो पार्ट आप कर रहे हो प्लस टू का या प्लस वन का जो पार्ट आपने कर रखा है वो आपका कमजोर पड़ जाए, इसलिए इस चीज पे पूरा ध्यान दीजिएगा। तो आपके पास इतना टाइम है, आराम से आप यहां से यहां पहुंच सकते हो, एक 99% आप ला सकते हो। तो इस तरीके से आपको अपनी कमियां दूर करनी है, इस टेस्ट पे जरूर ध्यान देना है, और जो मिस्टेक कर रहे हो, जो आपका वीक पोर्शन है उसको स्ट्रॉन्ग बनाइएगा, आप इस जो स्कोर है इस स्कोर तक पहुंच सकते हो आराम से, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। फिर भी अगर किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताएं, डाउट आपका क्लियर किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतने तक पढ़ते रहे और मजे करते रहे।